आप सभी, मैं सर डॉक्टर सुनीता गुर्जर और मैं आज आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है एक मानव का श्वसन तंत्र। ये चैप्टर नंबर 23 है बायोलॉजी में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे श्वसन क्या है। सबसे पहले देखो श्वसन की जब हम बात करते हैं तो जो भी सजीव है, जो जीव है, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से प्राप्त होती है, जो भी भोज्य पदार्थ है उनको जो हमने ग्रहण किया है उनका जब ऑक्सीकरण हम करते हैं तो उसकी वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, और यह जो है ऑक्सीकरण करना होगा, उस ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और उस ऑक्सीजन को हम जो हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, यह जो प्रक्रिया है यानी कि भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण करना है, यह प्रक्रिया ही क्या है, श्वसन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक रिएक्शन दिया आपको, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में जो है उसका ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीकरण हो जाएगा उसका, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा विमुक्त होगी और CO2 और H2O जो है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे CO2 एक अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है वो निकलती है। तो इस तरह से जो है ये होता है। तो श्वसन जो है वो एक्चुअल में है क्या, यह एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया का मतलब हो गया कैटाबोलिज्म। यहाँ पे देखो जब भी आप कोई भी जो है क्रिया के बारे में, किसी भी जीव बायोलॉजिकल किसी क्रिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर हमेशा तीन वर्ड देखेंगे। एक तो आप देखेंगे उपापचय। ठीक है, हम बोलते हैं सारी उपापचयी क्रियाएं, है ना। तो उपापचयी क्रियाएं, और इन उपापचयी क्रियाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं हम, अपचय और उपचय। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपचय है वो क्या है, अपचय का मीन्स होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब, यहाँ देखो कैटा वर्ड आ रहा है, कैटा मीन्स होता है काटना। तो जब आप किसी बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो यह क्रिया क्या है, अपचय। जबकि जब आप किसी छोटे अणु से उसको संयुक्त करके कोई बड़ा अणु बनाते हैं तो वह क्रिया होती है उपचय। और दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप में यानी कि दोनों को एडिशनली हम बोलते हैं उपापचय। तो हमारे शरीर में जितनी भी सजीव क्रियाएं होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, और श्वसन जो है वो एक अपचयी क्रिया है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़ा पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है और वो अपशिष्टों के रूप में क्या मिल रहा है, CO2, और ऊर्जा विमुक्त हो रही है, जल विमुक्त हो रहा है। तो इस तरह की क्रिया होती है। जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन बेसिकली दो प्रकार का होता है, या तो ऑक्सी श्वसन होगा या अनऑक्सी श्वसन होगा। यदि हम जो श्वसन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सी श्वसन है, और यदि हम ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में वो अनऑक्सी श्वसन है। इस क्रिया को थोड़ा सा समझते हैं हम ऐसे कि जो ऑक्सी श्वसन है उसमें क्या होता है और किसके अंदर ये होता है। तो देखो श्वसन जो है उसकी बात की हमने, श्वसन है दो प्रकार का, या तो है ऑक्सी और नहीं तो है अनऑक्सी। अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा जबकि यहाँ पे O2 का यूज होगा। दोनों ही देखो श्वसन की जब बात करें तो श्वसन क्रिया एक्चुअल में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही है। ठीक है, तो उस स्थिति में ये अपघटन है उनका, जल अपघटन है। तो उस स्थिति में क्या होता है, श्वसन के अंदर भोज्य पदार्थों का अपघटन तो होगा ही होगा। अगर यदि उस अपघटन की क्रिया में ऑक्सीजन यूज नहीं आ रही है तो वो अनऑक्सी श्वसन है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखो कुछ बैक्टीरिया में जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर, और जो यीस्ट कोशिकाएं हैं उनके अंदर, इसके अलावा जो एस्केरिस है उसमें, और जो टीनिया सोडियम है उसमें, इन सब के अंदर क्या होता है, टीनिया सोडियम मीन्स पीता कृमि। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। क्योंकि ये जिस परिस्थिति में होते हैं वहां पर इन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में ये जीव जो है ये क्या करते हैं, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया करते हैं, इसमें ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। यहाँ भी भोज्य पदार्थों का अपघटन ही होता है बट उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी अनॉक्सी श्वसन होता है तो भोज्य पदार्थों का हमेशा अपूर्ण अपघटन होता है, यानी कि जो उनका अपघटन होगा वो कैसा होगा, अपूर्ण होगा। ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है, जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसकी मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। जबकि ऑक्सी श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन किया जाता है, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी। तो इस तरह की यदि क्रिया हो रही है तो वो क्या है, ऑक्सी श्वसन है। तो ऐसा होता है। उसके अलावा देखो
जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन जो है वो भी एक्चुअल में क्या है, दो प्रकार, दो जो है उसके भाग हो सकते हैं। एक तो होगा बाह्य श्वसन और एक होगा आंतरिक श्वसन। बाह्य और आंतरिक। बाह्य श्वसन में क्या होता है, हम इंक्लूड करते हैं बाह्य श्वसन में जो भी उच्छ्वसन है और निःश्वसन। यहाँ पर दो क्रियाएं होगी, एक तो होगी उच्छ्वसन और एक होगी निःश्वसन। और इन दोनों क्रियाओं को हम बाह्य श्वसन में इंक्लूड करते हैं। और होता क्या है, देखो निःश्वसन यानी कि इसके अंदर हम अंदर ले रहे हैं यानी ग्रहण कर रहे हैं कुछ भी, और ग्रहण किसे करेंगे, हम ओटू को। अगर इसमें ओटू ग्रहण करते हैं तो यह क्रिया क्या है, निःश्वसन है। जबकि उच्छ्वसन में क्या होता है, इसमें हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर किसको निकालते हैं, हम CO2 को। तो CO2 बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है उच्छ्वसन। और ये O2 को अंतर्ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, ये जो क्रिया है इन दोनों को कहा जाता है बाह्य श्वसन। ठीक है, ये श्वसन अंगों में होती है बाहर। उसके बाद आंतरिक श्वसन की जब अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक श्वसन जो है वो कोशिकीय स्तर पे होता है, यानी कि ये जो आंतरिक श्वसन की क्रिया है ये कोशिका में होती है, कोशिकीय स्तर पर होने वाली क्रिया है ये। और इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा भोज्य पदार्थों का अपघटन। इसमें हम भोज्य पदार्थों का अपघटन करते हैं जिसकी वजह से CO2 अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है। ठीक है, CO2 निकलेगी अपशिष्ट के रूप में और इसमें हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जल निकलता है और साथ ही ऊर्जा विमुक्त होती है। तो यह क्रिया कोशिकीय स्तर पे हो रही है, इसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा देती हूँ। हाँ, तो आगे हम इसमें श्वसन अंगों की बात करते हैं। देखो श्वसन अंग क्या होते हैं बच्चों, जो जिस अंग के अंदर श्वसन क्रिया हो रही है उसे ही कहते हैं, जो श्वसन जिससे से संबंधित है, जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं वो सभी अंग क्या कहलाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। तो श्वसन अंग जो है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है श्वसन मार्ग और एक होते हैं फेफड़े। ठीक है, तो श्वसन मार्ग जिस जिस मार्ग से होकर वायु जो है वो हमारे शरीर में जो प्रवेश कर रही है वो गुजरती है, उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में श्वसन मार्ग जो है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नासा छिद्र, ठीक है, नासा छिद्र जो होते हैं वो नासा गुहा में खुलते हैं, और नासा गुहा जो है वो आगे जाके नासा ग्रसनी में खुलती है, नासा ग्रसनी जो है वो ग्रसिका में खुलती है, और ग्रसिका जो है वो फिर आगे जाके श्वास नली में खुलती है, और श्वास नली जो है वो विभाजित हो जाती है दो भागों में, फिर हम उसे कहते हैं श्वसनिका, और श्वसनिका आगे जाके श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, और ये जो श्वसनिया है ये फिर वायु कोश के अंदर आके खुलती है। तो इन सब मार्ग के द्वारा जो है वायु जो है वो गुजरती है, तो इन सबको हम कहते हैं श्वसन मार्ग। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो नासा छिद्र की बात करते हैं। नासा छिद्र जो होता है उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है टेढ़ी मेढ़ी अस्थि उपास्थि होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वायु होती है वो धीरे धीरे, उसे कुछ समय लगता है वहां से निकलने में, और उस समय के दौरान क्या होता है, जो वायु है उसका तापमान जो है हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल हो जाता है। क्योंकि देखो हम समतापी जीव है, हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान हमारा फिक्स रहता है, या हम कह सकते हैं 98 डिग्री फॉरेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी जो उपास्थि है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उस उपास्थि की वजह से क्या होगा कि वायु धीरे धीरे, उसे कुछ समय लगेगा जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा है तो उसको निकलने में जो समय लगेगा, उस समय के दौरान क्या होगा कि उसका तापमान हमारे शरीर के अनुकूल हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है, इसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, जो नासा मार्ग है उसमें म्यूकस की लेयर होती है, वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, इसमें नमी बना के रखती है, तो जो वायु है उसको वो नम भी कर देती है, साथ ही साथ उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको भी ये अपने साथ म्यूकस जो है वो चिपका लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, यानी कि जो वायु है उसको ये साफ करने की कोशिश करता है, उसका फिल्ट्रेशन करने का काम ये करता है। उसके बाद देखो क्या होता है, इसके अलावा जो नासा मार्ग है उसके अंदर रोम भी पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं कि जो भी वायु अंदर प्रवेश कर रही है उसमें जो धूल के कण प्रवेश कर रहे हैं उन धूल के कणों को वहीं रोकने का काम करता है। इस प्रकार से क्या होता है, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा जो वायु है वो हमारी बॉडी के अनुकूल हो जाती है, अपना उसमें धूल के कण है, बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो इस प्रकार की क्रिया होती है। देखो दूसरा मार्ग जो है वो मुख भी है, हम मुख के द्वारा भी सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फायदा नहीं मिलता, जिन तीन फायदे की हमने अभी बात की ना, वो तीनों फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आप मुख से सांस ले रहे हैं तो उस वायु का फिल्टरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वायु फिल्टर हो जाएगा वायु का, और वह जो है आगे जाके
जो है हम यहाँ पे नासा ग्रसनी जो है उसके अंदर खुलता है, नासा गुहा जो है वो नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा ग्रसनी जो है उससे होते हुए यह है जो है इससे ग्लोटिस, यानी कि ग्लोटिस जो भाग है यहाँ तक पहुंचती है, जो हमारी श्वसनिका है उसका जो मुख है, जो हमारी श्वास नली है उसका जो मूल मुख जो है उसे हम कहते हैं ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक उपास्थि होगी। ये उपास्थि क्या करती है, इस ग्लोटिस से जैसे ही जो है वायु जब अंदर प्रवेश करेगी तो ये ढक्कन को खोल देती है एपिग्लोटिस, और जब भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये इसे बंद कर देती है इसके ऊपर आके। यहाँ इस जगह पर जो है हमारी खाद्य नली होगी तो ये इसको बंद कर देगी एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है ये एक क्या है, एक मांसल संरचना है जो कि इस ग्लोटिस के ऊपर आ जाती है। इसे हम घाटी ढापन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं घाटी ढापन भी कहा जाता है इसे। और ये जो घाटी ढापन है ये क्या करता है, इस ग्लोटिस के ऊपर यानी कि ये जो घाटी है इसके ऊपर आ जाता है जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण कर रहे हैं उस स्थिति में। और जो है इसके बाद में ये जो हमारा जो ग्लोटिस है, ठीक है, ये किसका, श्वास नली का मुख होता है, ठीक है। और ये जो श्वास नली होती है ये यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पे जो कंठ है लैरिंग्स जो है इसके अंदर ये ग्लोटिस जो है ये लैरिंग्स का मुख है, और ये जो है लैरिंग्स के अंदर खुलती है। लैरिंग्स जो होंगे वो क्या होता है, वहां पर जो है चार प्रकार की जो है अस्थियां पाई जाती है, पेरिटिनोइड, और चार अस्थियां होंगी। ये चारों अस्थियां क्या करती हैं कि जो है इसके अंदर चार अस्थियां होंगी, और यहाँ पर इसके बाद में ये जो भाग है यहाँ क्या होगा, श्वास नली होगी। श्वास नली जो होगी ये क्या करेगी, इसमें हाइलिन उपास्थि के सी छल्ले होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार के सी आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्र के ऊपर यूं रहते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है सी शेप छल्ले होते हैं, ये इसे श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो श्वास नली है इससे ये इसको पिचकने से बचा देगा। और श्वास नली जो है वो जब फेफड़ों वाले भाग में, चेस्ट वाले भाग में जब आती है तो उस स्थिति में ये दाई और बाई श्वसनिका में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक श्वसनिका तो दाएं फेफड़े में और दूसरी वाली बाएं फेफड़े में चली जाएगी, ठीक है। फिर ये श्वसनिका जो है वो आगे जाकर विभाजित होती है, और विभाजित होकर क्या करती है, ये श्वसनिका जो है ये श्वसनी बना देती है, ठीक है, इसकी और ब्रांच हो जाती है और श्वसनी जो है उसका निर्माण ये करती है। फिर ये श्वसनियां जो है ये आगे जाके विभाजित होती हैं, और उसके बाद जो है क्या होता है, आगे वायु कोश का निर्माण करती है। ये वायु कोश जो होता है ये कुछ इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है बहुत ही पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, जो केशिकाएं हैं उनका घना जाल होगा, इस वजह से ये रक्त के संपर्क में सीधी आ सकती है, ठीक है। और जो हमारी ये श्वसनिका है ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इस पर सी आकार के उपास्थि हाइलिन उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है ये जो उसके बाद है, हाँ, यहाँ पर जो है इस पोर्शन में यहाँ पर ये जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, तो लंग्स के अंदर देखो हमने बात कर ली श्वसन मार्ग की, ठीक है, श्वसनिका तक होता है। दूसरा हमारा भाग है फेफड़े, तो फेफड़े जो होते हैं दो होते हैं, दायां और बायां, ठीक है। तो जो बायां फेफड़ा होता है उसमें दो ही कोष्ठ होते हैं, ठीक है, दो कोष्ठक पाए जाते हैं, और जो हमारा दायां फेफड़ा है उसमें तीन कोष्ठक होते हैं। बाएं वाले में दो कोष्ठक क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा बाई तरफ हमारा हृदय पाया जाता है, तो इस वजह से बाएं फेफड़े में दो ही कोष्ठक पाए जाते हैं जबकि दाएं फेफड़े में तीन कोष्ठक पाए जाते हैं। और जो है इसके ऊपर एक दोहरा आवरण पाया जाता है, प्लूरल कला का आवरण पाया जाता है, और यह जो प्लूरल झिल्ली है यह दोहरी होती है, यानी कि इसका जो बाहरी भाग है वो प्लूरल है और दूसरा भाग है विसरल। तो इन दोनों भागों के बीच में, यानी कि जब दो झिल्लियां हैं तो उन दोनों झिल्लियों के मध्य का जो भाग है वहां पर प्लूरल गुहा का निर्माण होता है। उस प्लूरल गुहा में प्लूरल द्रव भरा रहता है। यह प्लूरल द्रव जो होता है यह फेफड़ों को पिचकने से बचाता है, क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं बहुत ही स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए है ये जो प्लूरल द्रव होगा उसकी वजह से फेफड़े जो बार बार पिचकते हैं और फूलते हैं तो उनमें जो घिसाव है, जो घर्षण है उसको कम किया जाता है। और इस प्लूरल द्रव के द्वारा क्या होगा, जो फेफड़े होंगे वो पिचकेंगे नहीं, उनका घर्षण कम किया जाएगा। यदि किसी कारणवश ऐसा हो, कोई इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में कई बार, तो उसकी वजह से यदि इस प्लूरल गुहा के अंदर वायु आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, फेफड़े जो होंगे वो पिचक जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें प्लूरल द्रव भरा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डायफ्राम। देखो यहाँ पर ये जो डायफ्राम है ये एक मांसल संरचना है, ठीक है, ये उपास्थि होती है और ये क्या करती है कि जो हमारी श्वसन गुहा है उसके आयतन को ये कम और ज्यादा करने की कोशिश करती है। यदि अगर ये इस तरह से है तो हमारा जो श्वसन गुहा है उसका आयतन कैसा रहेगा, कम रहेगा, और अगर ये सीधी हो जाए तो आयतन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करती है, मदद करती है इसमें हमारे श्वसन गुहा के आयतन को बढ़ाने में और कम करने में, ठीक है। उसके बाद में इधर जो है यहाँ पर ये होती है पसलियाँ, ठीक है, और ये जो है पसलियाँ जो है ये इसकी सुरक्षा करने की कोशिश करती है, यानी कि जो फेफड़े हैं वो अस्थि पंजर के अंदर पाए जाते हैं, आगे की तरफ अस्थि पंजर और पीछे की तरफ जो है हमारी बैकबोन, ये क्या करती है इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हाँ, तो आज हम इतनी ही बात करेंगे स्टूडेंट, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।